वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। अब 2.2 में क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी इक्वेशन दी गई है, तो ये इक्वेशन क्या है, आपकी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है जिसमें आपको एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट करके इस आपकी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे आपकी क्वेश्चन देखोगे आपकी बुक में लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल 0, x इक्वल माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 2। मीन्स इस पे आपको इन वैल्यू को पुट करना है और इसको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन करते हैं, देन सॉल्व लिखा। अब हम यहां देखेंगे फ्रॉम फॉर एक्स इक्वल जीरो, मीन्स एक्स इक्वल जीरो के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपकी जो इक्वेशन दी गई है पॉलिनोमियल की, आपको यहां पे लिखना है और एक्स जहां पर है वहां पर जीरो पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये 5x, x की जगह जीरो, 4x स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर और प्लस 3। अब इसके बाद क्या होना है, 5 का मल्टीप्लाई जब 0 के साथ होगा फंक्शन 0 हो जाएगा, 4 का 0 का स्क्वायर 0 होता है, देन 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो फंक्शन 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3, देन आपको सिंपली यहाँ 3 देख देना है। तो ये क्या है, आपकी वैल्यू है x इक्वल टू 0 के लिए। अब इसी में हम सेकेंड देखें तो सेकेंड पर क्या आ रहा है हमारा, x इक्वल माइनस 1। अब यानी कि हमें क्या करना है, x इक्वल माइनस 1 के लिए हमें हमारी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में जितने x दिख रहे हैं उस जगह पर 1 को रख देना है। कौन सा 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है, तो प्लस और माइनस का ध्यान रखना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस 1 है यहाँ पर है x, तो रख दो 5 माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर देन प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का क्या होना होता है, इंटू होना होता है। तो जब 5 का इंटू हो जाएगा 1 में तो क्या हो जाएगा, 5, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अब 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव साइन होगा यानी प्लस का साइन होगा। जब वो प्लस इस मल्टीप्लाई के साथ माइनस कर मतलब मल्टीप्लाई करेगा माइनस के साथ तो क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो इस टाइप से ये हो जाएगा माइनस का 5 देन माइनस। अब माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 और उसके साथ यदि माइनस लगा हुआ है तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस, एक दूसरे काट दिया बचा क्या, प्लस। ठीक है, यदि माइनस के ऊपर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा टोटल आपका क्या, 1, यानी कि पॉजिटिव 1 हो जाएगा। जब प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेगा माइनस के 4 के साथ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 4 इंटू 1 4 देन प्लस का 3। अब ये आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो यहाँ पे एक लॉ लगता है आपका, जो रूल होता है आपका बोर्ड मास का। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है फिर माइनस करना है। तो आप चाहो तो माइनस माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर लो या फिर इस वैल्यू से इसको माइनस कर दो, कुछ भी करो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। 4 और 3, ये 3 क्या है, प्लस का है, 4 क्या है, 4 अभी प्लस का नहीं बोल सकते आप, 4 यहाँ पे देखिए माइनस का है, 5 क्या है यहाँ पे माइनस का है, मीन्स इन दोनों को ऐड कर देते हैं माइनस माइनस वालों का। तो जब भी माइनस माइनस वाले के साथ ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन जो आपकी डिजिट है वो कैसे रहेंगी, जुड़ेंगी। तो माइनस 5 और माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस के 9 से आपका प्लस 3। अब देखिए आप ये मत सोचना कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है मतलब ये जोड़ो जुड़ेंगी, जब भी माइनस और प्लस एक साथ आ जाते हैं तब क्या होता है, हमेशा माइनस होता है लेकिन साइन जो वैल्यू बड़ी रहेगी उसका साइन आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए यदि माइनस का 9 है और प्लस का 3 है तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 6, मीन्स होंगी माइनस। अब साइन देख लेते हैं अपन, तो साइन यहाँ पे 9 का साइन जो है वो बड़ा लगा हुआ है तो 9 के पास क्या है, माइनस है, इसलिए अपन क्या करेंगे, माइनस का 6 आपका कर देंगे। अब माइनस का जो 6 है वो वैल्यू है आपके x इक्वल माइनस 1 के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा आगे देखें तो x इक्वल 2 के लिए वैल्यू क्या करनी है, तो अब x इक्वल 2 के लिए वैल्यू आप
खुद निकालोगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 2.2 का वो है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, और यहां पर कुछ वैल्यू दी गई है पी जीरो पी वन और पी टू के लिए। तो अब आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एक बार। फाइंड पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन पी ऑफ टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मीन्स सभी पॉलिनोमियल के लिए आपको क्या करना है, पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन और पी ऑफ टू को फाइंड करना है। अब हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो फॉर हम लिखेंगे यहाँ से डायरेक्ट जैसे हमने अभी किया था फॉर पी ऑफ जीरो। अब पी ऑफ जीरो को कंपेयर करो पी ऑफ वाई से, पी ऑफ जीरो को कंपेयर करो पी ऑफ वाई से, तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको काटना नहीं है, ये आपको सिर्फ मन में देखना है कि क्या होना है। देखो पी और पी कॉमन हो गया, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे पी ऑफ जीरो, यानी कि पी के साइड में क्या है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ क्या है पी के साइड में वाई है, तो कहीं ना कहीं ये जो वाई की वैल्यू है वही क्या है हमारी जीरो है। तो जहां भी आपको वाई दिखेगा वहां क्या रखोगे आप, जीरो रख दोगे। तो पी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, यानी कि जितनी वैल्यू पे आप जहां भी आपका वाई है वहां क्या होना है, जीरो हो जाना है। तो आपकी जो पी ऑफ जीरो की वैल्यू रहेगी वह क्या आएगी, वन आ जाएगी। अब इसी का सेकंड देख लो, तो इसी के सेकंड में क्या लिखा हुआ है पी ऑफ वन। अब इस बार क्या करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन को कंपेयर करेंगे हमारी इस फंक्शन से, मींस पी ऑफ वन को कंपेयर करना है हमको पी ऑफ बाय से। तो क्या हो जाएगा, पी तो कॉमन आएगा लेकिन पी ऑफ बाय, इसको पढ़ने का तरीका होता है पी ऑफ बाय और यहाँ पी ऑफ वन, पी तो दोनों में कॉमन है लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या है वाई है, तो कहीं ना कहीं अब वाई की वैल्यू क्या होनी है, वन हो जानी है, तो y की जगह 1 रख दो। अब जितने में y है सब में 1 1 पुट करते चलो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इतना आ गया। अब देखिए ये माइनस का 1 है ये प्लस का 1 है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो p ऑफ 1 जो है इसकी वैल्यू क्या है, 1 आ जाएगी, p ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 आएगी, और अब p ऑफ 2 जो बाकी है अब वह आपको सॉल्व करना है कि p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी। देन इसके जो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन है इस सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर जो चार टॉपिक और हैं, चार क्वेश्चन से छोटे छोटे, उनको भी आपको सॉल्व करके आंसर्स आपके ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।